हेलो दोस्तों, आज हम जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हम कवर कर रहे थे, तो हमने 7 चैप्टर्स कवर कर लिए थे और जो बाकी के चैप्टर्स हैं तो वो उसमें से 3 चैप्टर आज मैं कवर करूंगा और 3 नेक्स्ट डे कवर करूंगा। तो लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन, फन विद मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी को आज हम कवर करेंगे। बेसिकली जो क्लास 6 है ना, तो क्लास 6 में बहुत ही ज़्यादा बेसिक टर्म्स के साथ क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो आप मेरी वीडियोस अगर देख रहे हो तो आपको जो बेसिक टर्म्स हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगी और उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी रिसेंटली 21 जून को, इसी संडे को, लास्ट संडे को, तो एक ग्रहण लगा था। ठीक है, तो ग्रहण के ऊपर क्वेश्चन आपको कैसे आएगा मैं आपको अभी इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा भी वो कौन सा, किस टाइप का इक्लिप्स था। ठीक है, तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो वो सारे की सारे मतलब बड़े ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट्स दैट अमिट लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो अपनी, जो खुद लाइट जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडीज। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देखो, लिट कैंडल जलती है तो लाइट प्रोड्यूस करती है, सन में फ्यूजन रिएक्शन होती है तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है, स्टार्स भी एक तरह के सन ही है, बट मून क्या करते हैं, मून किसकी लाइट लेते हैं, सन की लाइट लेते हैं, इसलिए हमें नजर आते हैं। जैसे आप, ये सन है, ठीक है, ये मून है और हम अर्थ पे हैं। ठीक है, तो लाइट यहाँ पे जाएगी, यहाँ से टकराएगी, फिर हमारे ऊपर, अर्थ के ऊपर आएगी, तो अर्थ पे हम लोग, हमारी आंखों के ऊपर आएगी तो हमें वो मून नजर आता है। तो मून क्या है, जो लाइट यूज करता है सन की, खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। इफ वी आर एबल टू सी एनी थिंग क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, देन सच एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके बीच में से हम क्लियरली देख सकें उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और जिसके बीच में से धुंधला धुंधला दिखे उसे ट्रांसल्यूसेंट, और जिसके बीच में से ना दिखे उसको ओपेक। अब देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस बार जो आपको 21 जून को हुआ था वो था सोलर इक्लिप्स था, क्योंकि मून बीच में आ गया था सन और अर्थ के। अगर मून बीच में आ जाए तो उसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, और अगर अर्थ बीच में आ जाए सन और मून के, और मून में पूरा अंधेरा छा जाए, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है शेडो। देखो यार, शेडो जो भी होती है ना, एक तो डिपेंड करती है, देखो सन की पोजीशन पे डिपेंड करती है, अगर सन यहाँ इधर की तरफ मूव कर रहा है तो वो शेडो लंबी होती जाएगी, अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो शेडो कम होती जाएगी, और दूसरा ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, अभी ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब उसमें से लाइट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, अगर उसमें से लाइट क्रॉस हो गई तो कैसे मतलब आपको शेडो नजर आएगी। ठीक है, चलो अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ए डैश इक्लिप्स अकर्स व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर अर्थ बीच में आ जाए और मून में अंधेरा हो जाए तो मैंने क्या बताया था, लूनर इक्लिप्स। ठीक है, द शेप ऑफ अ शेडो डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, शेप एंड शेप ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ द स्क्रीन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड नहीं करती, तो ए इज द राइट आंसर। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, अगर इसके कलर भी अलग अलग होंगे तो उस पर भी शेडो डिपेंड नहीं करेगी, ये सिर्फ डिपेंड करेगी द शेप ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, चलो, शेडोज आर ऑलवेज स्मॉलर देन ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑलवेज बिगर देन ओपेक ऑब्जेक्ट, रिमेन्स द सेम एज ओपेक ऑब्जेक्ट, कैन बी स्मॉलर और बिगर देन द ओपेक ऑब्जेक्ट। तो देखो यार, जो शेडो बनती है, शेडो अगर सन इस तरफ मूव करेगा तो कम होगी, इस तरफ मूव करेगा तो शेडो बढ़ती जाएगी, तो वो जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। अब कुछ टर्म्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये सबसे पहले, इसको हम बोलते हैं फायरफ्लाई। फायरफ्लाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका देखोगे पीछे वाला हिस्सा है, ये क्या करता है कि जब ये फ्लाई करती है
तो इसके ना बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस के कारण ना ये बॉडी, ये जो इसका पार्ट है, ये मतलब ल्यूमिनस मतलब चमकने लग जाता है, लाइट प्रोड्यूस होती है इससे, ठीक है। तो इसको फायरफ्लाई बोलते हैं। और ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है ये है पेरिस्कोप। आपने अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो वहां पे आपने कहीं किसी मूवी में देखा होगा इसको, पेरिस्कोप बोलते हैं। पानी के अंदर एक बंदा है जो कि बाहर की चीजों को देखने के लिए इसको यूज करता है, मतलब हिडन टाइप ऑफ थिंग्स को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए मतलब इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका मतलब आई कॉर्नर, मतलब एक पिन होल है, ठीक है। यहाँ पे एक पिन होल है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब पिन होल कैमरा है, तो उसमें क्या इमेज बनेगी, देखो इसके यहाँ से लाइट अगर इमिट होगी तो यहाँ से लाइट आ रही होगी, और इसका जो ऊपर वाला चीज है वो बॉटम में बनेगा। क्योंकि अगर आप सोच के देखो, कैमरा में क्या होता है कि एक छोटा सा मतलब लेंस होता है, लेंस में से लाइट क्रॉस करती है, ठीक है। और लाइट हमेशा देखो आप स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है, तो आप इसको अगर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे तो यहाँ से ड्रॉ करोगे तो पेड़ का जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर जाके बनेगा। तो इसमें हमेशा जो भी इमेज बनेगी, जो पिन होल कैमरा है, ठीक है, उसमें जो भी इमेज बनेगी वो बनेगी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, ठीक है। तो इसको भी आपने याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यूज देख लेते हैं इसके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग ल्यूमिनस सब्जेक्ट। तो फायरफ्लाई का मैंने अभी आपको बताया। ए डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ हिडन पोजिशन। तो पेरिस्कोप में पानी के अंदर से वो अपने आप को हाइड कर रहा है और बाहर की चीजों को देख रहा है, ठीक है। टेलीस्कोप में दूर की चीजों को देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में बहुत ही बारीक चीजें हैं जो कि हम मतलब केमिस्ट्री में इसको यूज करते हैं एटम्स को स्टडी करने के लिए। कैलेडोस्कोप क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ये वाली एक इमेज दिखाई थी, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि जो लाइट की मतलब इतनी तरह से उसका रिफ्लेक्शन को, मतलब जैसे एक मिरर्स भी यूज करते हैं इसमें, और लाइट का रिफ्लेक्शन भी यूज करते हैं। तो इस तरह से मतलब एक ऑब्जेक्ट को अंदर के अंदर मतलब बहुत सारी उसकी रेपिटेशन, मतलब एक एक ही तरह का ऑब्जेक्ट है जिसको हम लाइट अमिट कर करके मतलब उसको रिपीटेडली हम देख रहे हैं, मतलब उसकी रेपिटेशन हो रही है कि ऑब्जेक्ट की, और आपको वो मल्टीपल टाइम्स नजर आ रहा है, ठीक है। तो कैलिडोस्कोप उसमें आपकी मदद करता है। लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन 8 मिनट 20 सेकेंड में वो हमारे पास पहुंच जाता है, ठीक है, लाइट पहुंच जाती है। तो अप्रोक्सीमेट जो टाइम हुआ वो हुआ 8.3 मिनट। द इमेज फॉर्म्ड इन पिन होल कैमरा इज, देखो मैंने आपको बताया था पिन होल कैमरा में कैसे कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड उल्टी और इरेक्ट सीधी, ठीक है। तो बी सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है, तो थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए, बेसिक टर्म्स है। व्हाट इज पॉइंटर ए एज शोन इन फिगर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो ए पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और जैसे आपने सुना होगा कि हम टंगस्टन को यूज करते हैं, क्योंकि टंगस्टन क्या करता है, विस्टैंड कर जाता है हाई हीट को भी, ठीक है। तो मतलब हाई टेम्परेचर पे भी ये अब विस्टैंड कर जाता है। तो फिलामेंट टंगस्टन का होता है और कहाँ पे होता है आपको मैंने दिखा दिया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉइंटर बी एज शोन इन द फिगर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, क्या वो एलिमेंट है, फिलामेंट है, होल्डर है, टर्मिनल है। तो यहाँ पे दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो बी क्या है, टर्मिनल है। ए सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू आइदर ब्रेक और कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड स्विच। देखो यार, स्विच को ऑन करोगे सर्किट कंप्लीट, मतलब सर्किट कंप्लीट भी कर देता है, सर्किट ऑफ भी कर देता है। ऑन करोगे स्विच को, ऑन करोगे तो वो सर्किट ऑन कर देगा, अगर ऑफ कर दोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल बैटरी एज शोन इन द फिगर, पॉइंटर ए इंडिकेट्स, देखो जो पॉइंटर ए है वो है पॉजिटिव टर्मिनल और जो बी है वो है नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा है। इलेक्ट्रिक सेल बैटरी एज शोन इन फिगर, पॉइंट बी इंडिकेट्स नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। मटेरियल्स विच अलाउ
करंट टू पास थ्रू देम इजली और कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स, और जो नहीं होने देते वो क्या होते हैं, वो होते हैं इंसुलेटर्स। डैश आर द मटेरियल्स दैट डो नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम और कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, चलो देखो, रबड़ इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, क्योंकि जो भी प्लास्टिक होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो ट्रू हो गया। इन जनरल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली जो मेटल्स होती हैं वो अच्छी कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और जो नॉन मेटल होती हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आर बॉडी इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये फॉल्स है। मैं बताता हूँ आपको कैसे फॉल्स है। बल्ब ग्लोज व्हेन ओनली करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यस, क्योंकि जब उसका करंट फ्लो करेगा बल्ब में, तभी उसका जो फिलामेंट है, टंगस्टन है, वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू करता है, और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके कारण लाइट प्रोड्यूस होती है, जिससे कि आपको बल्ब में रोशनी नजर आती है। अब देखो, ये हमारी बॉडी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे आयन से मिलके बनी है। ठीक है, तो आयन्स, मेटल आयन्स से मिलके बनी है, तो वो क्या है, वो हमारे मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमारी बॉडी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू। देखो, इरेजर क्या है, प्लास्टिक है, रबड़ है, मतलब उसमें से नहीं होगा, मैच स्टिक से भी नहीं होगा, प्लास्टिक कॉम से भी नहीं होगा, आयरन नेल क्या है, मेटल है, तो इसमें से मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो डी इज द राइट आंसर। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब मैग्नेट्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, क्योंकि मैग्नेट्स बेसिकली मतलब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की चीज है, तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो देखते हैं। इन अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक पावर इज मोर देट बोथ एंड्स ऑफ द मैग्नेट। तो इसको आप याद रखिएगा, जैसे एक मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, और ये दोनों पोल्स में मतलब ज्यादा मैग्नेटिक पावर कहाँ पे होती है, एंड्स पे होती है। ठीक है, एंड पे बहुत ज्यादा पावर होती है और बीच में कम होती है। चलो, ए बार मैग्नेट इज इमर्स्ड इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड पुल्ड आउट। द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स क्लिंगिंग टू द नॉर्थ पोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साउथ पोल। जो दोनों की पावर है ना, नॉर्थ और साउथ पोल की, ये दोनों की दोनों पावर ऑलमोस्ट सेम है, मैग्नेटिक पावर। तो जितने भी, अगर आप इसको एक मतलब आपके पास क्या है, आयरन आयरन फिलिंग्स हैं, मतलब आयरन की छोटी 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 मतलब बहुत सारी फिलिंग्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको मैग्नेट को इसके बीच में डाल दोगे, तो जितनी आयरन साउथ पोल पे स्टिक करेगी उतनी ही नॉर्थ पोल पे भी स्टिक करेगी, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन एयर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, इट अलाइंस इटसेल्फ इन डैश डायरेक्शन। तो वो हमेशा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, सॉरी, जो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को वो खुद ब खुद अलाइन कर लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। देखो, जो आपका वूड है, वुड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, निकल, आयरन, कोबाल्ट के हैं, मेटल्स हैं, और ये स्टिक भी करती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक पावर शो करती हैं ये। यूजली द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज पेंटेड रेड। देखो, जो बेसिकली क्या होता है, एक मैग्नेट में यार दो तरह के, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नॉर्थ पोल है, तो आप इसको रेड पेंटेड कर देते हो और जो साउथ पोल होता है इसको ब्लू पेंटेड कर देते हो। ठीक है, तो यूजली नॉर्थ पोल को हम रेड पेंटेड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैग्नेट्स, अनलाइक पोल्स डैश ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो अट्रैक्ट और रिपेल, सी इज द राइट ऑप्शन। व्हेन अ नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ पोल ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, देन इट रिपेल्स। क्योंकि जो लाइक लाइक पोल्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल,
और नॉर्थ पोल को एक साथ लाया जाएगा। तो आपने इसको छोटे होते देखा भी होगा कि यार अगर दो मैग्नेट्स में कुछ पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, कुछ पोल्स मतलब रिपेल करते हैं, अगर लाइक पोल्स होंगे, दोनों नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो वो रिपेल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल नॉट मेक अ मैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? ड्रॉप अ मैग्नेट फ्रॉम हाइट तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज हो जाएंगी, हैमर अ मैग्नेट तो भी उसकी लूज हो जाएंगी, ठीक है, पास इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम अ करंट तो भी मतलब हीट अ मैग्नेट तो भी हो जाएंगी। तो मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करोगे तो उस पर इलेक्ट्रिक करंट का कोई इफेक्ट, मतलब उससे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मैग्नेट? तो मैग्नेटाइट को हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। तो ये थे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस और आपके लिए मतलब हेल्पफुल रहेंगे आपको, ठीक है। इससे आप अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको रिलेट कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल सीधे आ सकते हैं, जैसे कि लाइट हमारे अर्थ पे कितने टाइम में पहुंचती है, कौन सा सोलर इक्लिप्स अभी रिसेंटली हुआ है, मैग्नेट्स के ऊपर पूछा जा सकता है सिंपल सा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूछा जा सकता है सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये वीडियो आप देखो और खुश रहो। ओके, थैंक यू।